अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय होला साहब, हमारे प्रभारी काजी साहब, अमिता जी, राठौर साहब, जिले के तमाम विधायकगण, नितिन सिंह जी, चंदेलिया जी, राजकुमार जी, रीटा जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, मैं इस मौके पर सबसे पहले एक बार पुनः प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। झुंझुनू की इस पावन धरती पर यह ऐतिहासिक जमीन है, शेखावटी का यह मुख्यालय झुंझुनू, यहाँ जैसा ओला साहब ने कहा, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, सभी यहाँ लोग आए और एक जुड़ाव और एक संबंध इस परिवार से बना हुआ है। आज स्वर्गीय श्रीशाम ओला जी की मूर्ति का अनावरण प्रियंका जी के करकलमों से हुआ है, ये अपने आप में इतिहास में एक और कड़ी जुड़ गई है। हर पीढ़ी का संबंध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, सब जानते हो आज से 30 दिन के बाद राजस्थान की विधानसभा के चुनाव है, 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें उनका समर्थन करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आप सब यहां पे आज मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वो सभाएं कर रही है मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, वो टोंक में आई थी, दौसा में आई थी, आज झुंझुनू में आई है, और भी सभाएं होंगी, राहुल जी की होंगी, प्रियंका जी की होंगी, लेकिन हम लोगों ने इन चारों पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती चली जा रही है। मैं आज हमारे पार्टी, हमारे परिवार से जो लोग नए जुड़े हैं उन सबका स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, दम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल का कुशासन दिल्ली से चलाया है उसके हम सब गवाह हैं। कोई वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं, मध्यम वर्ग हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को झांसे में लेकर लगातार उसके ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिससे लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी, झुंझुनू के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ थे मुखर होकर अपनी बात को बोलते थे, अंत में केंद्र की सरकार को किसानों की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है, नौजवानों को ताकत देने का काम, राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करने का काम इन सब लोगों ने किया है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और साथियों, झुंझुनू में तो शेखावटी में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शेखावटी में जो ताकत और मदद कांग्रेस पार्टी को मिली थी उसी के दम पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी, इसीलिए आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। आपस के मनमुटाव बढ़ाकर आज हमारा लक्ष्य दूसरा है, पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। इन विधानसभा चुनाव के परिणाम से आने वाले देश की राजनीति तय होने वाली है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह करें, 4.5 साल बंद कमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया तो रथों पर बैठकर यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राजस्थान में रही सिर्फ आरोप लगाने की रही, उम्र उठाने की रही, आज तक मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोडमैप क्या है, आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना, बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसके तहत सरकार ने काम किया, खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और आज जनता ने मन बना लिया कि 30 साल की जो परिपाटी प्रदेश में कायम हो गई थी उसको तोड़ना है और 5 साल का जो मामला था उसको समाप्त कर सभी लोग भारी मतदान कर। और मैं तो उस मन से कहना चाहता हूं, ओला साहब, आपके यहां पे भाजपा ने उम्मीदवार दे दिए
और पिछली बार जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी उससे बड़ी जीत इस बार जनवरी होने वाली है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैं आप सब लोगों से करपत निवेदन करता हूं कि एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर लगना चाहिए। ये हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है और प्रियंका जी के आह्वान पर हम सब लोगों को पहले से ज्यादा बहुमत शेखावटी जुन्यूज लेकर हम लोग आएंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे। मैं इस मौके पर पुनः प्रियंका जी का स्वागत करता हूं और आप सब लोग जो भारत आदाब में यहां पर आए आप सबका स्वागत अभिनंदन। जय हिंद।